Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देवर्थ अग्रवाल एसर टेलीकॉम। यह है मेरा यूट्यूब चैनल और ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ और डालता हूँ अपने इंस्टीट्यूट के वीडियो। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं टूल्स के बारे में कि कुछ नया अपडेट करें सर, कुछ नया अपडेट करें। सो मैं आपको अब इस चैनल पर सिर्फ टूल्स की वीडियो डाला करूँगा जिसमें आपको नए नए टूल्स के बारे में पता चलेगा। सो आज आपके लिए जो मैं टूल्स लेके आया हूँ वो काफ़ी अच्छा है, वो सनशाइन का एंड्रॉयड सीरीज़ का पावर केबल है। दोस्तों मैं इसके बारे में बहुत डिटेलिंग से वीडियो बनाना चाह रहा था बहुत दिनों से और मैं ये लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं इसका जो ये टूल्स आपको जो लेना है ये लेना है, आप जो यहाँ साइड में नंबर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे साइड में नंबर दिख रहा होगा जेड एक्स मलिक, ये एक इंडिया के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये कोई फेक नहीं है, आप इनके पास जा सकते हैं, ये नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ये टूल्स काफ़ी अच्छा मिल जाएगा अगर आप एशिया टेलीकॉम को सब्सक्राइब करते हैं और आप वहाँ पे सब्सक्राइब वाली फ़ोटो उनको दिखाते हैं तो 10% इसमें डिस्काउंट भी वो दे देगा। तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम इसके पैकेट की बात करते हैं और इसके अंदर क्या मिलता है और क्यों ये सबसे अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे एंड्रॉयड सीरीज़ का डेडिकेट पावर केबल है और जिसका मॉडल नंबर है SS905C। और सबसे अच्छी बात मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। अभी क्या होता है दोस्तों ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहता हूँ। मान के चलिए कि हम क्या होते थे कि नॉर्मल हम जब डीसी मशीन से नॉर्मली हम अपना करंट को जो वोल्टेज है उसको 4.2 या 4.0 तक हम सेट करते थे, जनरली 3.7 और 4.72 के बीच में। पर कभी कभी क्या होता था, कुछ टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं जो अपनी बैटरी को बूस्ट करने के चक्कर में वो इसको 12 वोल्ट तक 7 वोल्ट तक भी सेट कर देते हैं। और जनरली होता क्या है कि और जब वो उनके पास में कस्टमर के सेट आते हैं तो वो 12 वोल्ट में ही अपने मोबाइल को लगा देते हैं और उनका मोबाइल फ़ोन की पावर ऐसी ख़राब हो जाती है। तो ये ओवरशॉट वोल्टेज के कारण है। सो इसको प्रोटेक्शन करेगा अगर इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, थोड़ा पास लेके आइए आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, द इनपुट वोल्टेज एक्सीड 4.8 वोल्टेज एंड इज ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द वोल्टेज फ्रॉम द बीइंग टू हाई एंड बर्निंग द मॉडल फोन। मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर इनपुट वोल्टेज कैसे भी करके 4.8 वोल्टेज से ज़्यादा भरता है तो ये आपके जो वोल्टेज को है ये ड्रॉप कर देगा और ये टोटल पूरे वोल्टेज को बंद कर देगा, ये आपके मोबाइल फ़ोन को बर्न मतलब जलने से और आपके मोबाइल फ़ोन को ख़राब होने से बचा लेगा। सो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। अभी तक ये आईफोन में आ रहा था, अब ये पहली बार ऐसा है कि ऐसे जो सनशाइन एक बहुत अच्छी कंपनी है और जो आपको एंड्रॉयड में ये लेके आया है। अच्छा देखिए दोस्तों, दूसरा मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट एंटी बर्न। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कभी क्या होता है कि डीसी सप्लाई मशीन से जो 4.2 वोल्टेज भी आ रहा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वोल्टेज एक्चुअली फ्लक्चुएशन के एम्पियर में आता है, मतलब उसमें एम्पियर का करंट वो ज़्यादा लेने के कारण हमें क्या होता है कि वो पीसीबी बर्न होने लगती है। अगर ये डिटेक्ट करता है कि अगर वो एम्पियर ज़्यादा जा रहा है तो तब भी उसको ये बर्न होने नहीं देगा। काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी है जो इसमें यूज़ की गई है। तीसरा यहाँ पे मैं बात करता हूँ, रेडी टू यूज़ है, मतलब इसमें आपको कोई बटन नहीं है, कुछ भी ऐसा टेक्निक नहीं है जो आपको लगाना है, कुछ भी थर्ड पार्टी है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा। केबल की अगर मैं क्वालिटी बोलूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा द केबल यूज इज हाईली प्योरिटी कॉपर वायर विच कैन पास 3 एम्पियर करंट एंड ईजिली टर्न ऑन। मतलब अभी अधिकतर जितने भी नए फोन आ रहे हैं वो जनरली 1 एम्पियर 2 एम्पियर पर ऑन नहीं होते हैं, वो 3 एम्पियर 5 एम्पियर पर ऑन होते हैं। तो ये केबल ईजिली 3 एम्पियर तक आपका करंट बहुत ईजिली पास कर देगा। काफ़ी अच्छा एक हाई इंटेंसिटी केबल है। तो मुझे लगता है ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको मैं प्रैक्टिकली चाहता हूँ करवाना कि ये भी हम यूज़ कर लेंगे सर, ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेरा MI का Redmi Y1 मोबाइल है, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे बड़े मसले होते हैं Redmi Y1 में। इसमें आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे कि सपोज़ बैटरी का कनेक्टर निकल जाता है या बैटरी बूस्ट करनी पड़ती है, हमारे पास
टाइम बहुत कम होता है, टेक जो कस्टमर होते हैं वो सामने खड़े होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि बैटरी बूस्ट कर कि करने पर टाइम लग रहा है, और कस्टमर बोलता है कि सर अभी 5-10 मिनट में हमें बताओ उसमें क्या फॉल्ट है। सो अभी हम इसमें फिर नहीं तो हमें बी बैट और जो हमारे ग्राउंड का है हमें उसमें यहाँ से अलग अलग पॉइंट से हम जंपर लेते हैं और उसको हमें फाइंड आउट भी करना पड़ता है। सो ईजिली मैं आपको बताता हूँ, और जो डायरेक्ट डी सी मशीन से लगाते हैं तो डायरेक्ट भी ऑन नहीं होता है। यह फोनकॉन का डी सी मशीन है, इसके बारे में भी मैं एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा, आपको काफ़ी अच्छा है, ये खासकर आईफोन के लिए बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको विदाउट जंपर आप यहाँ लगा के, क्योंकि इसमें जो आपको यहाँ पर केबल्स दिखाई दे रही होंगी वो जनरली एंड्रॉयड की केबल्स है। देखिए मैं आपको यहाँ पर केबल्स थोड़ी सी शो करता हूँ। यहाँ पर आप जो यहाँ पर केबल देख रहे होंगे, ये देखिए ये जो केबल्स हैं, जैसे यहाँ पे 15B आप देखेंगे, 5B देखेंगे, ये सब एंड्रॉयड के अभी आने वाले कनेक्टर्स की केबल्स हैं। अच्छा आप नॉर्मली यहाँ पे आप देखिए कि ऐसे नहीं बना, ऐसे बना, हाँ ऐसे में वो ठीक है। अब नॉर्मली आप केबल्स को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये खास कोर ये आईफोन के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एंड्रॉयड वाले बच्चों के लिए है, एंड्रॉयड वाले टेक्नीशियन के लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर हुबाबे, MI, ओप्पो, वीवो, मेजू, लेनवो, LTE, LTV, तो ये सारे इन मोबाइलों को ये सपोर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे MI के मोबाइल को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम डायरेक्ट जंपर लगाते हैं, भले हम 5 MPa का DC लें, उसके बाद भी वो लोगों पर आकर रीस्टार्ट करता है सेट, या कोई सेट चालू नहीं होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। देखिए आपको करना क्या है कि आपको रेड वाला आपको लगाना है रेड में, और ब्लैक वाला आपको लगाना है ब्लैक में, और ये जो नॉर्मल करंट जो ले रहा है ये बेसिकली इसी का करंट है दोस्तों। तो ये मत समझिएगा कि मोबाइल में फ़ोन में हाफ शॉटिंग है। सो ये 0.0114 ये जो करंट जा रहा है ये एक्चुअली फोनकॉन की मशीन है, इसलिए आपको इसमें करंट का एम्पेयर में थोड़ा ज़्यादा जीरो दिखाई दे रहे होंगे, इसके डिटेलिंग में आपको बाद में करूँगा। सो अभी देखें यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आ रहा है, जब ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दिखाता है, जब ज़्यादा वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो ये एक रेड कलर का सिग्नल दिखा देता है। फिलहाल अभी ये एक्टिव है और सही तरीके से काम कर रहा है। तो अभी अपन को करना क्या है, इसमें अपन को ढूंढना है इसका जो सही कनेक्टर है और वो इसमें मैच करके लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कनेक्टर हम ढूंढ सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी लाइट जलाना चाहता हूँ यहाँ पर। चलिए तो इसका कनेक्टर मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो कनेक्टर है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये 12B करके है। अब हम इसको इसमें लगाएंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको हम इस तरह से लगा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा यहाँ से चालू है, मैं इसको इस तरह से टिका देता हूँ समझाने के लिए। ओके अब इसको हम कनेक्टर को इसमें फिट करेंगे। तो देखिए ये बहुत इजीली फिट हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ पुश नहीं करना है। ज़्यादा पुश करेंगे अगर मान लीजिए वहाँ नहीं लग रहा है, आप ज़बरदस्ती लगाएंगे तो आपका कनेक्टर ख़राब हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये लग जाने के बाद अब हम इस फ़ोन को देखते हैं ऑन करके कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये ईजिली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो देखिए मैंने इसको पावर की इसको दबाया हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसका पावर की दबाते हैं। तो देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अब मैं इसका टच भी एक बार वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जंपरिंग वायर करते हैं उसमें सही तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों सच बताएं कि बिना सर्किट का नॉलेज, बिना वोल्टेज के नॉलेज से अगर सिर्फ ICO का काम करना है आपको, सिर्फ आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ EMC सीख जाऊँ और मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ना आए, अब ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीख जाऊं, मुझे सर्किट का नॉलेज नहीं पता हो, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों क्या कितना काम आप कर पाएंगे। और अगर आज की डेट में वाकई में सिर्फ EMC पे काम आ रहा है तो सिर्फ EMC सीखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादातर EMC वाले भी कई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने CPU को रिवॉल्व कर लेंगे, हर चीज़ रिवॉल्व कर लेंगे, बट उसके बाद भी वो सर्किट को नहीं जान पा रहे हैं। सो दोस्तों दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, सही नॉलेज लीजिए, प्रॉपर लीजिए, बेस अपना इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर कीजिए। सो देखिए थोड़ा पास आइए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ़ोन बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग में है,
और यहाँ पर टच भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं ऐसे ड्यूरिंग टेक टाइम पे। मान लो अगर हमको माइक चेक करना होगा, माइक में जब हम एक्टिव करते हैं तो वीडीडी की लाइन हो गई है, या स्पीकर की बात करें, या रिसीवर की बात करें, या हम नेटवर्क सेक्शन बात करें, या जो भी, या वाईफाई सेक्शन पे बात करें, या जो भी सिम सेक्शन हो गया, ईएमसी सेक्शन, तो इतने सारे सेक्शन है, तो हम उस पर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू बाय दिस प्रोडक्ट। आप जेन्युइन काम कीजिए और अपने एंड्रॉयड मोबाइल को गलत तरीके से जंपरिंग मार के उसको बर्बाद मत कीजिए। एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसको परचेस कीजिए, सस्ता है। और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सब्सक्राइब वाली फोटो इन भाई साहब को जो ZX मलिक है इनको आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको 10% डिस्काउंट के साथ में ये प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा, आपके घर पे डिलीवर होगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और आई होप कि इसी तरह मैं नए नए प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे से जनता जुड़ी हुई है, अगर मैं लोगों का फॉलोअर्स हूँ और लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो क्यों नहीं उनको नई नई चीज़ों को जानकारी दे सकूँ। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते रहिए इसी तरह। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सबसे आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए, जो टेक्नीशियन लोग थे उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ सब कुछ बना लोगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते हैं मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोलते हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा उसको चुना जाए, तो मैंने फिर स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Amansun 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Amansun 9001 and 2008 Certified Institute.